नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। श्रद्धा मर्डर केस, पुलिस टीम आफताब को लेकर एफएसएल पहुंची। बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए प्रचार कर सकते हैं तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे से की थी मुलाकात। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध ड्रोन में ड्रॉप किए पार्सल, 4,05,000 रुपए और 2 पिस्टल हुई बरामद। इंडोनेशिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 271 के पार, 40 लोग अब भी लापता। उत्तराखंड में मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड, स्कूलों की तरह ही 8 से 2 बजे होगा स्कूलों का संचालन। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। पीएम मोदी गोवा में रोजगार मेले के तहत युवाओं को आज वर्चुअली करेंगे संबोधित। नेपाल चुनाव, पीएम शेर बहादुर देउबा 7वीं बार जीतेंगे, रुझानों में नेपाली कांग्रेस आगे। मुंबई गैंगस्टर रविंद्र मारुति गिरफ्तार, पुलिस को 23 साल से थी इस आरोपी की तलाश। और इस्लामिक रेजिस्टेंट काउंसिल ने ली मंगलुरु ब्लास्ट की जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की जांच शुरू।